नमस्ते दोस्तों, करीबित कमल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद ककोरे प्याज की सब्जी, जिसे कंकोड़ा भी कहते हैं, कंटोला भी कहते हैं या ककोरा भी कहते हैं। इस सब्जी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, बनाना तो एकदम इजी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, मसाले भी हम बहुत ही कम डालेंगे, जिससे कि इस सब्जी का नेचुरल स्वाद निखर कर आएगा और सब्जी के गुण भी बरकरार रहेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हींग, नमक स्वाद अनुसार, 4 बड़े चम्मच ऑयल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 3 बड़े प्याज लंबी पतली स्लाइसेस में कटे हुए, 250 ग्राम ककोरे लंबी स्लाइसेस में कटे हुए। यहाँ ध्यान रखें, हमें ककोरे को धो के इस तरह से लंबी स्लाइसेस में काट लेना है, इसके छिलके नहीं उतारने हैं। ये हमने पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल के गरम होते ही फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें आधा टीस्पून हींग ऐड कर देंगे, साथ में 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे 30 सेकंड तक सॉटे करेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। तीस सेकंड के बाद अब हम इसमें ककोरे ऐड कर देंगे। साथ में ही लंबी पतली साइजेस में कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे से जल ना जाए और सारे ककोरे भी अच्छे से पक जाए। ये ककोरे की सब्जी को पकाते हुए हमें तकरीबन 15 से 17 मिनट हो चुकी है। हमारे ककोरे पक चुके हैं। ककोरे सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं, अगर पके हुए हो तो ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप उस हिसाब से चेक कर ले और थोड़ा और ज़्यादा पका ले। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके और 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएंगे। ये 5 मिनट के बाद हमारी ककोरे प्याज की सेहतमंद सब्जी रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, फिर इसे डिश आउट करेंगे। गर्मा गर्म फुल्का रोटी के साथ परोसे। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।